हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो लास्ट मिनट हम लोग एक छोटा सा देख लें टॉपिक, इस चीज़ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, दो तरह के हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोजोम के लेवल पे होने वाले और जीन के लेवल पे होने वाले। क्रोमोजोम के लेवल पे होने वाले फर्दर दो तरह के हो जाएंगे, ऑटोजोम में, सेक्स क्रोमोजोम में, या तो नंबर क्रोमोजोम्स का पूरे का पूरा सेट बढ़ जाए, जीनोम एक से ज़्यादा हो जाए, भाई डिप्लॉयड हैं हम लोग, ट्रिप्लॉयड हो जाएं, टेट्राप्लॉयड हो जाएं, वो कहलाएगा पॉलीप्लॉयडी, या नंबर जो क्रोमोसोम का एक या दो बढ़ जाएं वो कहलाएगा एनियोप्लॉयडी। एनियोप्लॉयडी फर्दर आपकी मोनोसोमी, नलिसोमी, टेट्राइसोमी, टेट्रासोमी, उसमें ना फंसी है। अब आप आखिरी समय में थोड़ा सा यही सुन के जाइए कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपकी बुक में दे रखे हैं कितनी तरह के हैं। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, क्रोमोजोम ऑटोजोम में होने वाली एबनॉर्मेलिटीज, या सेक्स क्रोमोजोम में। तो या तो नंबर घट जाए या टूट फूट हो जाए, ऑटोजोमल एब्रेशन हो जाए, ठीक है जी। इतना सा एक छोटा सा आप उसका याद रखिए, आगे चलता हूँ। ऑटोजोमल एनियोप्लॉयडी पे आइए, तो एनियोप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी में पूरे का पूरा सेट बढ़ जाता है जो आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी। तो 2N की जगह 3N, 4N, 5N, मतलब नंबर ऑफ, ये बढ़ गई हमारी जीनोम, ये हो जाएगा ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड एटसेट्रा, ठीक। पॉलीप्लॉयडी एनिमल्स में रेयर होती, एनिमल्स में क्या मिलेगा एनियोप्लॉयडी, एनियोप्लॉयडी में हाइपोपोलाइडी और हाइपरपोलाइडी, नंबर घट गया या बढ़ गया, नंबर बढ़ घट सकता है एक या दो से, माइनस वन हो गया अगर 2N-1 तो वो कहलाएगा मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब है एक मोनो, कोई भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में सेल में दो होते हैं, दो दिनों में एक उसमें से गायब हो जाए, एक ना आए, तो 2N-1 ये कहलाती मोनोसोमी, 2N-2 नलिसोमी, जीरो हो गया, 2N+1 कहलाएगी ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा कॉपी, 2N+2 कहलाएगी टेट्रासोमी, दो एक्स्ट्रा कॉपी। तो ये आपका हाइपो में आएगा मोनोसोमी, नलिसोमी, और हाइपर में आएगा ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, और ये दोनों किस में आएंगे एनियोप्लॉयडी में, ठीक है जी। एनियोप्लॉयडी में नंबर एक या दो से बढ़ घट रहा। डाउन सिंड्रोम पे आइए, पर्टिकुलरली मंगोलियन आइडोसी, मंगोलिज्म, 21st क्रोमोसोम का एक कॉपी एक्स्ट्रा, तो आपके पास एक से 23 तक पूरा एक सेट आपको आपकी मदर से मिला, एक से 23 तक पूरा एक सेट आपको आपकी फादर से मिला। किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी बच्चे में, या किसी ह्यूमन बीइंग में 21st नंबर की एक कॉपी ज़्यादा आ गई, तो टोटल इन ऑल कितने हो जाएंगे 2N+1, मतलब 46 2N, एक सेट पूरा 23, दूसरा सेट पूरा 23, 46+1, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है 21 नंबर का। तो ये क्या हो गया, ये ट्राइसोमी हो गई 21st नंबर क्रोमोसोम की, जो डाउन सिंड्रोम नाम से हम लोग जानते हैं। दिस डिसऑर्डर सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, 1866 में लैंगडन डाउन ने, तो इन्हीं के नाम से, लैंगडन डाउन के नाम से इसको डाउन सिंड्रोम मानते हैं। दिस डिसऑर्डर इज ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम, बोथ द क्रोमोसोम ऑफ पेयर 21st पासेस इनटू सिंगल एग। तो क्रोमोसोम्स आप जानते हैं साइनेप्सिस करते हैं, और साइनेप्सिस के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम सिंगल सेल में आ गए, तो सेल में पहले ही एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। अब इस सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया नॉर्मल स्पर्म के साथ, तो ऑफ स्प्रिंग में 47 नंबर क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। कैरेक्टराइज बाय गोल चेहरा होगा, ओपन माउथ होगा, प्रोटूडिंग बाहर को निकली टंग होगी, ब्रॉड पाम होंगे, प्रोजीनी में आईक्यू लेवल कम होगा। अगर आपको कैरियोग्राम दिखाया जाए तो कैरियोग्राम में 21 नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी ज़्यादा है। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कैरियोग्राम आपको दिखा दें और पूछें ये कौन से डिसऑर्डर को करेक्टराइज कर रहा है, 21st नंबर क्रोमोसोम की एक कॉपी ज़्यादा, तो भैया ये किस कौन सा हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। आगे चलिए, एडवर्ड सिंड्रोम याद रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, 18th नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, पेटो सिंड्रोम 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, याद रखना चाहे रखें, आखिरी समय में ज़्यादा बोझ ना लें। अब हम लोग सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर पे आ गए, टर्नर सिंड्रोम क्या है, ड्यू टू मोनोसोमी और सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी सेक्स क्रोमोसोम की हो गई, मोनोसोमी का मतलब एक कॉपी होगी सेक्स क्रोमोसोम की, तो मेल में कितनी कॉपी होती है सेक्स क्रोमोसोम की, दो, दोनों एक्स होते हैं, और मेल में दोनों एक एक्स एक वाई, मेल में एक एक्स और एक वाई, और फीमेल में दोनों एक्स, तो हमारे पास 44 ऑटोसोम्स हैं प्लस दो सेक्स क्रोमोसोम है, दो कॉपी, फीमेल के केस में दोनों एक्स है, मेल के केस में एक्स वाई है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक कॉपी गायब हो गई है सेक्स क्रोमोसोम की, तो मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ एलोसोम फ्री एग, तो एग में एक्स होना चाहिए था 22+ एग, एग में एक्स नहीं है, और नॉर्मल स्पर्म का अगर फ्यूज़न हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो जाइगोट बनेगा उसका क्या जेनेटिक मेकअप होगा, 44+ XO,
ठीक है, एक ओ की जगह जीरो। नॉर्मल एग या तो नॉर्मल एग है 22 प्लस एग, और जो एलोसोम फ्री एग 22 प्लस ओ, तो ये भी बनेगा 44 प्लस एक्स ओ। इस तरह के ऑर्गेनिज्म में कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे? 45, क्योंकि एक क्रोमोजोम कम हो गया। कौन सा कम हो गया? सेक्स क्रोमोजोम। सच पर्संस आर स्टेराइल फीमेल्स। तो बेसिकली ये बनना क्या चाहते थे? बेसिकली ये बनना चाहते थे फीमेल। एक एक्स कम आया है या तो स्पर्म से या एग से। रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, अंडर डेवलप ब्रेस्ट होंगे, स्मॉल यूटेरस होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा। तो ये कॉम्बिनेशन 44 प्लस वाई को मेल टर्नर सिंड्रोम सस्टेन नहीं करता, अनवायबल है। भाई आपको दो किडनी हमें दे रहा है भगवान, एक किडनी से भी काम चल जाएगा। एक्स क्रोमोसोम का जेनेटिक मेकअप में होना जरूरी है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। इसलिए 44 प्लस वाई ओ अगर इस तरह का जाइगोट बन जाए, वो सस्टेन ही नहीं करेगा, अनवायबल होगा। तो मेल टर्नर सिंड्रोम आपको प्रकृति में नहीं मिलेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फीमेल टर्नर सिंड्रोम ये आपको मिल रहा 44 प्लस एक्सो। तो बेसिकली ये क्या बनना चाहती थी? लड़की बनना चाहती थी, 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए था। एक एक्स की कॉपी मिस हो गई तो एक किडनी है, काम चलेगा। लेकिन क्या काम चल रहा है? कुछ जगह सेक्रीफाइस भी करना पड़ गया। स्टेराइल होंगे, स्टेराइल फीमेल्स, रूडिमेंट्री ओवेरीज, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, स्मॉल यूटेरस, ठीक है जी। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में ये क्या कहलाएगा? ये सेक्स क्रोमोसोम की एन्योप्लाइडी है, और मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई। इट इज फॉर्म बाय एबनॉर्मल एग, तो एग में एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई। 22 प्लस एग का एक्स का होना चाहिए था एग, 22 प्लस एक्स एक्स का एग का फ्यूजन हो गया 22 प्लस वाई। तो रिजल्टेंट जो आपका जाइगोट बन रहा 44 प्लस एक्स एक्स वाई बन रहा, एक एक्स ज़्यादा ट्राइसोमी हो गई सेक्स क्रोमोसोम की, एंड अ नॉर्मल वाई। इंडिविजुअल हैज 47 क्रोमोसोम, इंडिविजुअल में 47 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। सच पीपल आर स्टेराइल मेल विथ अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। तो ये मेल बनना चाहते थे, 44 प्लस एक्स वाई बनना चाहते थे, एक एक्स ज़्यादा आ गया। तो स्टेराइल मेल्स हैं, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस है, मेंटल रिटार्डेशन है, लॉन्ग लिम्स है, इनलार्ज ब्रेस्ट, जिसको कि गायनेकोमेस्टिया बोलना, ये आपका हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है, देखिए आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरेंज दिस डिसऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैविंग द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम किसके पास ज़्यादा है? तो देखिए, तीन सेक्स क्रोमोसोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पास, दो सेक्स क्रोमोसोम है किसके पास? डाउन सिंड्रोम के पास। और एक सेक्स क्रोमोसोम है किसके पास? टर्नर सिंड्रोम के पास, ठीक है। अगर इसको आपको देखा जाए ट्विस्टेड वे में, पूछ ले आपसे थोड़ा सा कि आप डेप्थ में पढ़ के आए हो, समझ के आए हो कि केवल रट के आ गए, तो अगर हम आपसे बोले इंक्रीज दिस अरेंज दिस दिस डिसऑर्डर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैविंग द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो आप देखिए टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स, एक एक्स गायब है। डाउन सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं? दो हैं, उसमें 44 आपके प्लस, उसके अलावा एक 46 प्लस एक कॉपी एक्स्ट्रा किसकी है? 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा। तो हमारा जो जेनेटिक मेकअप में सेक्स क्रोमोसोम का नंबर होना चाहिए वो उतना ही है, बढ़ क्या गया है? ऑटोसोम बढ़ गया। तो सेक्स क्रोमोसोम इसमें दो हैं डाउन सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस कितनी कॉपी है? एक, यहाँ पे दो हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तीन हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे पाओगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको समझा दिया, आगे चलिए। इसको और याद रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, सुपर मेल्स भी होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप होगा 44 प्लस एक्स वाई, एक वाई एक्स्ट्रा आ गया मेल में, सुपर मेल बन गया। और सुपर फीमेल भी होती है 47 प्लस एक्स एक्स एक्स, एक एक्स यहाँ पे भी ज़्यादा आ गया, 46 होने चाहिए थे, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, फीमेल में एक एक्स एक्स्ट्रा सुपर फीमेल, मेल में एक वाई एक्स्ट्रा सुपर मेल। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया, हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं ये क्वेश्चन आपको आया। टर्नर सिंड्रोम मेल में किस वजह से होता है? ऑटोसोम। टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है? सेक्स क्रोमोसोम की एनोप्लाइडी से हो रहा है। टर्नर सिंड्रोम आपका सेक्स क्रोमोसोम की एनोप्लाइडी से हो रहा है, करेक्ट था मैं ये कर ये आपसे बोला कि आप करिए मैचिंग करिए। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक्सलिंक रिसेसिव ट्रेट है, फिनाइल कीटोनूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया। तो इतना ही रखिए, हम लोग के हो गए टाइम, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड।